अभी हम मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर में हैं और ये सिंहेश्वर शिव मंदिर अनुजी बाबा के नगरी सिंहेश्वर मंदिर में है। कल महाशिवरात्रि का मेला है और आज अनुकी कल पूर्व रात चोरी किया गया। ये चोरी इस तरह से किया गया है कि ताकि किसी को शक न हो कि ये बाहर का लोग आए हैं, लेकिन ये कौन है चोर ये तो पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद पता चल जाएगा कि आखिर वो चोर कौन है जो इतनी बड़ा हिम्मत के साथ बाबा के दरबार में चोरी की है। चोरी इस तरह से भी जहाँ कीमती जेवरात आभूषण रखे हुए थे उन चीज़ों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ रुपए ले गए हैं। बात क्या है, देखिए किस तरह से वो चोर जो चोरी किए हैं, पहले यहाँ ग्रिल लगा हुआ था, ग्रिल को पहले वो छेनी या हथौड़ी से हटाया होगा, उसके बाद कोई छेनी से इसको हटाया है तो लग रहा है कि कम से कम इनको हटाने में घंटा से डेढ़ घंटा जरूर लगे होंगे। यहाँ पे खटखट का आवाज़ आते होंगे लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि क्या यहाँ से वो आवाज़ आ रही है किधर से आवाज़ आ रही है, ये तो किसी को पता नहीं चला कि आखिर क्या हो रहा है। बशर्ते यहाँ मंदिर में भैया चोरी हुआ और ये चोरी बहुत ही निंदनीय है। आखिर बाबा के मंदिर में चोरी किस तरह की, ये चोरी जो हुआ है कहीं ना कहीं मंदिर न्याय समिति के मुंह पर चमाटा मारा गया है। मंदिर न्याय समिति कहाँ थे, कैमरा लगाने की बात कर रही है, कैमरा कहाँ है, 16 कैमरा लगे हुए, यहाँ पे कहाँ है कैमरा, नहीं है कैमरा। कैमरा रहता तो चोर चोरी करता ही नहीं, अगर कैमरा है भी तो उसका तार कैसे कटा वो तो जाँच करनी चाहिए ना। आखिर कब तार कटा, कहाँ से कटा, कौन कटा, ये भी उनको जाँच करनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसे बार बार सिंहेश्वर में चोरी होती है। आए दिन तरह तरह की सिंहेश्वर में चोरी की घटना को अंजाम देते रहे लेकिन कुछ नहीं करते, लेकिन आज बाबा के मंदिर में चोरी की गई है। सबसे बड़ा दुख की बात है कि आज बाबा के मंदिर में चोरी की गई है और चोरी में वहाँ माँ पार्वती की और बाबा की चांदी की मूर्ति थी उनको चोरी ना कर और यहाँ जो है रुपये सिर्फ चोरी किए हैं। इधर मंदिर है, ये मंदिर के मुख्य गेट है जहाँ से आते हैं डायरेक्ट बाबा का, वहाँ शिवलिंग है वहाँ डायरेक्ट यहाँ से निकल के वहाँ जा प्रवेश करते हैं। लेकिन मंदिर में जो गार्ड होते हैं नाइट गार्ड होते हैं, क्या उनको पता नहीं चला था कि खटखट की आवाज़ कहाँ से आ रही है, का वो भी सो रहे थे। आखिर किस तरह की वो गार्ड है उससे भी पूछा जाए कि तुम लोग कहाँ था, उनको नौकरी दिया गया था सोने के लिए नहीं बल्कि ड्यूटी करने के लिए, तो ड्यूटी के समय आप जो सोते हैं तो इस तरह का गार्ड नहीं चाहिए। मंदिर है ये सिंहेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है कि विश्व में प्रसिद्ध ये मंदिर महादेव सिंहेश्वर के नगरी से ये जाना जाता है और इस तरह की यहाँ से चोरी जो हुई है बहुत ही बड़ा दुख की बात है कि बाबा की नगरी में चोरी की गई है, लेकिन चोर को पुलिस जो है खंगाल रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं आखिर वो चोर कौन है, कहां से आया है। तो कुछ आगे इस वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं यहां के लोग और हमारे मधेपुरा पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार। चोरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? अत्यंत दुखद समाचार है, देवाधिदेव महादेव की धर्म की नगरी में यहाँ पर अधर्मियों का बसेरा है। यहाँ पर मैं अपने शब्दों में कहूँगा कि सीधे मंदिर का व्यवस्थापक कमिटी मेंबर सभी दोषी है इसमें। उन लोगों को विधि व्यवस्था से कोई मतलब नहीं रहता है, दुकान लगाना दुकान तोड़ना यही तो आता है यहाँ पर। व्यवसायी को यहाँ पर जो है सो केवल मंदिर ही उसके रहने का और भरण पोषण का एक आसरा है और व्यवसायी को यहाँ पर बंद करने की साजिश रची जाती है। रोज दुकान बनता है नया जगह पर, रोज टूटता है और मंदिर का जो विधिवत जो देखना है, रख रखाव करना है, मंदिर की संपत्ति को सुरक्षित रखना है, उस पर किसी का कोई ख्याल नहीं। भोले बाबा की घर में चोरी हुई है, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है ये रात में पेंटर रंग किया है मंदिर के अंदर, रंग भी अच्छा से इस बार नहीं हुआ, कल बाबा का बराती निकलने वाला है और उसके बावजूद चोरी हुआ, कोई समझ नहीं सका नाइट गार्ड के रहते हुए। अब इसमें कुछ व्यवस्थापक जो है मंदिर साहब वही बताएंगे इसका सही गलत क्या है। क्या लग रहा है? एक मंदिर का किनारे वाला एक रूम बना है, उसमें एक ट्रंक में चढ़ावा का पैसा रखा हुआ था, उसको बाहर साइड से गली वाले साइड से एक खिड़की का ग्रिल काट करके और घुस करके उस ट्रंक में से लगभग 79,000 रुपये के आसपास बताया जा रहा है उसकी चोरी हो गई है। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई हम लोगों ने एक टीम बना करके इसका अनुसंधान शुरू कर दिया है।
और अभी जो अनुसंधान से में जो बातें आई है उससे पता चला है कि सिंहेश्वर मंदिर में शिवरात्रि को लेकर के रंग रोगन और विद्युत आदि का भी काम वहाँ पर चल रहा है। इसमें कई मजदूर काम करने वाले लगे हुए हैं और इन्हीं लोगों में से किसी ने ये काम को किया है। ये हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि छत पे जहाँ पे सीसी कैमरा का तार गुजरा है जहाँ से, उस छत पे मजदूर जो थे वही लोग चढ़े थे और सीसी कैमरा का तार जो है वो कटा हुआ पाया गया। अभी तक हमारे अनुसंधान से इसे पता चल रहा है कि जो वहाँ पे काम में लगे हुए हैं लोग, उन लोगों को इस बात की जानकारी थी कि आज चढ़ावा का पैसा काउंट करके वहाँ पर रखा है और उसी को चोरी करने के लिए पहले ही से ही तार को लोगों ने डिस्कनेक्ट कर दिया और ताकि रात में किसी भी तरह के कैमरा में ना आ पाए और फिर उसका फ़ायदा उठा करके रात्रि में गली साइड से पीछे से घुसकर इस चोरी की घटना की गई। हम लोग वहाँ पे काम करने वाले सभी लोगों का लिस्ट की मांग किए हैं और उसके पश्चात सभी से हम लोग पूछताछ करके इसका बहुत जल्दी उद्घाटन कर लेंगे। बात की घटना की जानकारी मधेपुरा पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार को हुई, तो राजेश कुमार के द्वारा बताया गया कि यहाँ जो मजदूर कार्य कर रहे थे, रंगाई पुताई के काम कर रहे थे, कहीं न कहीं उनका हाथ है, उनके द्वारा ये चोरी की घटना को अंजाम दी गई है। मधेपुरा पुलिस के द्वारा जितने लोग कार्य कर रहे थे उनका लिस्ट मांगे हैं, वो लिस्ट मांगने के बाद उन पर कार्रवाई होगी। आखिर जो चोरी की गई है तो कहीं उन्हीं लोग को पता है कि कहाँ पैसे रखे गए थे, कहाँ से जेवरात थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब काम कर रहे थे तो उन लोग के द्वारा सीसीटीवी के जो वायर थे वायर को काट दिया गया था, उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया। घटना करीब ये तो मालूम नहीं है कि रात के कितने बजे घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन मधेपुरा पुलिस के द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई छानबीन कर रही है, लगातार मामले की जाँच कर रही है ताकि अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। तो बहरहाल आप लोग को ये खबर कैसा लगा, क्या आप लोग की प्रक्रिया है, आखिर किन पे ये सवाल उठने चाहिए, किसकी लापरवाही है, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।